मुंबई की एक शाम दिग्गज गायक सुरेश वाडकर के नाम। इस शाम सुरेश वाडकर ने अपने 70वें जन्मदिन का जश्न मनाया, बॉलीवुड में गोल्डन जुबली यानी 50 साल पूरा करने की खुशी बांटी और इस 50 साल के सफर को संगीतमय शो के माध्यम से जनता तक पहुंचाने की घोषणा की। और बहुत खट्टे मीठे हमारे जो अनुभव है, किस्से है, वो इस प्रोग्राम में आने वाले हैं, जो हो सकता है आप लोगों ने नहीं सुने हो। तो खट्टे और मीठे, तो आप जान सकते हैं खट्टे में कितनी खटास होगी और मीठे में कितनी मिठास होगी। ये मेरा वादा है दोस्तों आपसे कि इस प्रोग्राम में जितना सुरेश वाडकर साहब ने जान डाली है, मैं इतना बता सकता हूँ कि आप सबकी जिंदगी, आपकी जिंदगी आपको गले जरूर लगेगी। स्टूडियो रिफ्यूल द्वारा प्रोड्यूस किए जा रहे इस शो का नाम ऐ जिंदगी गले लगा ले है। शो का ये नाम फिल्म सदमा में सुरेश वाडकर के गाए हुए मशहूर गाने की लाइन से लिया गया है, जिसमें सुरेश वाडकर गानों के पीछे की कहानी के साथ साथ अपने जीवन के कई अनछुए पहलुओं को दर्शकों के साथ साझा करेंगे। ऐ जिंदगी गले लगा ले नाम का ये प्रोग्राम रेडियो पर प्रसारित होगा। पहली बार जिंदगी में इस तरह का कोई शो प्रोग्राम रेडियो के लिए कर रहा हूँ सबसे पहले, फिर साइमल्टेनियसली हम लोग इसके शोज भी प्लान कर रहे हैं। ये कारवा बनता रहेगा दोस्तों, ये एक फूल है, एक प्यारा सा फूल है ऐ जिंदगी गले लगा ले, जिसकी खुशबू महकना बहुत जल्दी शुरू कर देगी और आप उसकी खुशबू सुन के इतना आपको फ्रेशनेस मिलेगी और ये कारवा आगे बढ़ता चला जाएगा, चाहे वो शोज के माध्यम से हो, चाहे पॉडकास्ट के माध्यम से हो, लेकिन मजा आप सबको जरूर आएगा। लॉन्च का ये इवेंट संगीतमय शाम बनी, जहां सुरेश वाडकर ने अपने हिट गीतों से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सुरेश वाडकर आजीवासन संगीत विद्यालय चलाते हैं, जहां वो छात्रों को गायकी सिखाते हैं। जिसको सदगुरु मिल जाता है जिंदगी में, उसको सब कुछ मिल जाता है। तो मैं गुरु घर घर में रह के गाना सीखा, मेरी पढ़ाई लिखाई पूरी की। तो गुरु जी के जाने के बाद मैंने सोचा कि कहां, कश्मीर से आए थे हम, बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा किया है उन्होंने, तो ये जो उन्होंने पेड़ लगाया है इसको अभी सींचना बड़ा करना हमारा धर्म है। तो म्यूजिक स्कूल जो आजीवासन आते रहते हैं शायद, बिल्कुल उसका निर्माण हुआ, आज वहाँ 2,500 बच्चे गाना बजाना सीखते हैं। 7 अगस्त 1955 को जन्मे सुरेश ईश्वर वाडकर ने अनेकों ब्लॉकबस्टर गीत गाए हैं। रेडियो शो ऐ जिंदगी गले लगा ले के माध्यम से भारतीय संगीत के मधुर और सांस्कृतिक रूप को पुनर्जीवित करने का एक प्रयास है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।